एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं दैट इस चैप्टर का नेम क्या है डिपार्टमेंटल ठीक है एक न्यू चैप्टर है डिपार्टमेंटल सबसे पहले हम समझते हैं सर डिपार्टमेंट होता क्या है हमने पहले ब्रांच पढ़ा था तो अगर मैं बात करूं तो कुछ कुछ ब्रांच जैसा और कुछ कुछ फाइनल अकाउंट जैसा दोनों को मिक्स करके ही बनाया जाता है हमारा क्या डिपार्टमेंटल अगर मैं बात करूं सिंपल सी बात है अगर मैं एक दुकान का एग्जाम्पल लू तो आपने देखा होगा कि एक दुकान है अब इस दुकान ने जो है वो अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया था ना वो क्लॉथ से किया था और क्लॉथ में भी काफी सारे सेगमेंट होते हैं है ना जैसे मैन का हो गया वुमेन का हो गया गर्ल्स का हो गया किड्स का हो गया उसके अंदर भी हो जाते हैं तो मान लेते हैं बॉयज का इसने स्टार्ट किया इसने बॉयज का स्टार्ट किया लेकिन जब कस्टमर दुकान पे आता है तो वो कस्टमर जो है वो ये देखता है कि यार यहां पे ये मिल गया तो अगर उसके साथ फैमिली वाले आ रहे हैं तो फिर गर्ल्स का भी डिमांड करने लगते हैं कि आप ये नहीं रखते क्या या फिर किड्स का भी डिमांड करने लगते हैं कि बच्चों का भी कोई कपड़ा है आपने देखा होगा जनरली आप भी जाओगे तो आप भी इसी तरीके से डिमांड करोगे तो जो दुकानदार है वो ये सोचता है कि यार इसके तो कस्टमर भी आ रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या करेगा अपने दुकान को और बड़ा करने की कोशिश करेगा वो अब बॉयज के बाद इसके अंदर अब गर्ल्स का भी रखने लग गया जब बॉयज और गर्ल्स का उसने क्लॉथ रखना स्टार्ट किया तो उसके बाद फिर ये भी आ गया कि सर कोई बच्चों का भी है किड्स का है या नहीं है तो फिर इसने कहा ये बात भी सही कर रहे हैं फिर उसने किड्स का भी रख लिया फिर जब कपड़े उन्होंने रख लिया तो उसके बाद भी अगर देखा जाए तो शूज हो गए इन सभी का भी डिमांड आने लग गया कि भैया शूज वगैरह भी रखा करो हम तो जाते हैं एक ही जगह हमारे लिए हो जाए तो बढ़िया है बोला चलो फिर हम शूज का भी रख लेते हैं सूज का भी रख लिया इन्होंने फिर धीरे धीरे और चीजें भी डिमांड आने लगी जैसे सूज का रख लिया क्लॉथिंग का रख लिया फिर स्कूल का भी बोला ड्रेस का सेगमेंट बना लो हम कपड़े ले ही रहे हैं सारे कपड़े आपसे ले जाते हैं या फिर आप रेडीमेड कपड़े ले जाते हैं आप कपड़ों का थान ब्लेजर वगैरह का भी इस हिसाब से कर लो ताकि हम कर पाए तो ऐसे करते करते हमारा दुकान होता है ना दुकान उसकी बोलते हैं ना पहले छोटी दुकान थी अब तो बड़ी हो गई वहां पर सब चीजें मिलती है बड़ी दुकान तो हो गई लेकिन ये इसके पास एक प्रॉब्लम आ गई प्रॉब्लम क्या आया कि भैया एक ही जगह पे मैं सारे कपड़े नहीं रख सकता इसके लिए मुझे एक सेपरेट से काउंटर टाइप का बनाना पड़ेगा भैया गर्ल्स का चाहिए तो वो दिखाएगा और बॉयज का चाहिए तो वो दिखाएगा किड्स का चाहिए वो दिखाएगा शूज का चाहिए तो वो दिखाएगा जैसे सपोज करो कि हमने क्या किया हमने एक बिल्डिंग पूरी ही पूरी उसको बांट दिया बिल्डिंग को जैसे हम बात करते हैं पूरे के पूरे बिल्डिंग को हमने बांट दिया पूरे के पूरे बिल्डिंग को और पूरे के पूरे बिल्डिंग को हमने तीन पार्ट में बांट दिया अभी शूज नहीं लेते हैं तीन चीजें ले लेते हैं नीचे रखा हमने बॉयज का नीचे रखा हमने किसका बॉयज का ऊपर रखा हमने गर्ल्स का और सबसे टॉप पे हमने रख दिया किड्स के सेगमेंट और ज्यादा से ज्यादा आप जाओगे ना तो ऐसे ही देखने को मिलता है फर्स्ट फ्लोर पे ये मिलेगा ऐसे इलेक्ट्रिक वाले शॉप में भी होता है फ्रिज भाई वहां पे मिलेगा और फिर अगर आपको वॉशिंग मशीन चाहिए उसका डिपार्टमेंट अलग कर देते हैं टीवी चाहिए अलग कर देते हैं ये डिपार्टमेंट अलग कर दिया अब इस ऑनर का पहले तो सिर्फ इतना एरिया किराया दे रहा था अब इसे पूरा ही लेना पड़ गया तो इसका एक्सपेंस तो नो डाउट क्या हुआ बढ़ 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 गया 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 एक्सपेंस 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 क्या हुआ हमारा इसका बढ़ गया इसका जब इसका जब ना तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या पाया कि प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए ठीक है प्रॉफिट भी हमारा बढ़ना ही चाहिए अगर नहीं बढ़ेगा तो फायदा क्या हुआ उसका तो हमने देखा भाई किड्स का गर्ल्स का और ये हमारा प्रॉफिट जो है हमने मेहनत तो बढ़ा लिया लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है वो नहीं बढ़ पाया अब भैया कमी या तो किड्स वाले सेक्शन की है कि हमने यहाँ पे स्टॉक डाल दिया और जिस हिसाब से कई बार होता है एक दो बच्चों ने बोला और चलो भाई कर लेते हैं जैसे आप में से कोई चार पांच बच्चे अभी जितने बच्चे लाइव है वैसे सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट भी पढ़ा दो तो बढ़िया हो जाएगा मैंने बोला यार सही बोल रहे हैं कुछ बच्चे आ जाएंगे और मैंने पढ़ाने लगा तो लास्ट तक इतने ही बच्चे हुए तो मेरा तो टाइम खराब हो गया उसके अंदर अगर मैं एक प्रोडक्टिव आवर की बात करूं इतने में अगर एफ पे मेहनत करता तो उससे ज्यादा बच्चे भी हो जाते और वो भी तो इसने किड्स के ऊपर कर दिया काम फिर गर्ल्स के ऊपर भी बहुत सारे स्टाफ को भी लगाना पड़ा और बॉयज बॉयज वाले सेगमेंट जब इसका स्टार्टिंग में था तो खूब अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा था लेकिन अब नहीं बन रहा अब इसके पास चैलेंज आ गया कि भैया अब ये पूरी की पूरी दुकान बंद कर देगा धीरे धीरे देखा गया भाई प्रॉफिट की जगह पे ये किस में पहुंच गया सर ये तो लॉस में पहुंच गया तो अब पूरा बिजनेस बंद करना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में क्योंकि इसको यही नहीं पता चल पा रहा है कि नुकसान हो कहां से रहा है। तो इस नुकसान को पता करने के लिए इसको क्या करना चाहिए कि हर जगह का एक ड्रॉर बना लो भाई नॉर्मली दुकानदार भी करते हैं कि भैया ऊपर का हिसाब किताब ऊपर रखो नीचे का हिसाब किताब नीचे रखो और यहां का हिसाब किताब यहां रखो पहले क्या हो रहा था कि किड्स खरीद के ला रहे हैं यहीं बिल कटवा रहे हैं फिर यहां से आ रहा है फिर नीचे बिल कटवा रहे हैं फिर यहां से आ रहा है यहीं बिल कटवा रहा है पैसा तो सब एक ही जगह आ रहा है लेकिन उसको फिर सेपरेट करने में दिक्कत हो रहा है तो हमने क्या करा इसका समझदारी कि भैया जो भी होगा यहीं खरीदना तुझे यहीं पर सब कुछ यहीं यानी यही। यही इसको अलग कर दिया बिल्कुल और इसको अलग कर दिया इसको अलग कर दिया तो ये मैंने तीन सेक्शन में बांट दिया इस जब तीन सेक्शन में बांट देते हैं किसी चीज को तो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट उसको क्या बोलते हैं हम मैंने तीन डिपार्टमेंट जैसे इसकी अकाउंटिंग अलग करा लेंगे इसकी अकाउंटिंग अलग करा लेंगे जब इन तीनों की अकाउंटिंग हम अलग अलग करा लेंगे तो मुझे एक्चुअल पता चल पाएगा कि भैया कौन सेगमेंट की वजह से हमारा क्या हो रहा है लॉस हो रहा है कि किड्स वाले में हमें नुकसान हो रहा है या गर्ल्स वाले में या फिर पुराना बॉयज वाला ही नहीं चल रहा हमारा ध्यान नहीं दे पा रहे हम तो अगर मुझे पता चल गया कि भाई जो मैंने गर्ल्स वाला सेक्शन खोला था इसके अंदर मुझे इतना फायदा नहीं पहुंच रहा ये बहुत ज्यादा लॉस में ले रहा है तो अब मैं पूरी दुकानदारी बंद करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मैं गर्ल्स वाले सेक्शन को क्लोज कर दूंगा और उससे क्या होगा फिर हमारा अगले साल फिर हम मुनाफे पे आ जाएंगे तो अगर हम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दे यानी अपने स्टोर को अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम डिपार्टमेंट वाइज बांट दे तो उससे फायदा क्या होता है कि किस जगह से हमें प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ही हम खत्म कर देते हैं तो सबसे पहले डिपार्टमेंटल की अकाउंटिंग का क्या बेनिफिट है यही बेनिफिट है कि हमें हर डिपार्टमेंट का उसका एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस पता चलता है उसके बाद हमें एक पूरे का होल भी पता करना होता है। अगर हम तीनों का मिला के एक, पहले तो हम अलग अलग कर लेंगे लो पांच इससे कमाया, दस इससे कमाया, तो ये जो तीस रुपए का प्रॉफिट बताया पूरे डिपार्टमेंट का हुआ लेकिन जब इसकी अकाउंटिंग करते हैं तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अब सबसे नीचे हमने गार्ड बिछा रखा है सबसे नीचे गार्ड है कि जब भी आप सामान लेके निकलते हो ना तो चेक करता है सामान को तब बाहर जाने देता है हर जगह पे नहीं है सबसे नीचे है अब ये गार्ड जो काम कर रहा है यहां पे ये गार्ड तो यहां के भी चेक काम कर रहा है यहां का भी काम कर रहा है और का भी काम कर रहा है अब इस गार्ड की सैलरी इसमें डाले के इसमें डाले के इसमें डाले समस्या आ गई एक तो ये प्रॉब्लम हो गई अकाउंटेंट एक ही रखा है वो इसकी भी अकाउंटिंग कर रहा है इसकी भी अकाउंटिंग कर रहा है इसकी भी अकाउंटिंग कर रहा है तो वो किसके अकाउंटेंट डाले ऐसे कुछ खर्चे हैं जैसे दिन में चाय का खर्चा हो गया या कोई स्नैक्स का खर्चा हो गया वो सभी कोई चला जा रहा है तो कुछ खर्चे को बांटना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और जब खर्चे कुछ नहीं बट पा रहे तो हमें एक सर्टेन परसेंटेज पता होना चाहिए जिसमें बांटा जाएगा और खर्चे को कौन अगर मैंने बोला कि भैया किड सेक्शन का कपड़ा आया है तब तो कुछ बांटने की जरूरत नहीं यहाँ का कपड़ा है यहाँ का लिखो भाई मैंने बोला भाई गर्ल्स सेक्शन के कपड़े आए हैं तो यहाँ लिखो भाई बॉय सेक्शन का कपड़ा है तो यहां लिखो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जैसे मैंने गार्ड का सैलरी का एग्जांपल लिया तो नहीं बांट पा रहे तो इस खर्चे को हम कैसे कैसे बांटेंगे इस प्रोसेस को बोलते हैं एलोकेशन करना एलोकेशन मतलब होता है बांटना तो या तो कई बार हमें पता चल जाता है कि किस सेगमेंट में बांटेंगे या कई बार हमें नहीं पता चलता हमें अपने सूझबूझ के हिसाब से फिर बांटना पड़ता है अपने मतलब अपने दिमाग लगा के अपने अकॉर्डिंगली बांटना पड़ता है तो सर ऐसा क्या क्या हो सकता है खर्चा जिसको हमें अपना दिमाग लगा के बांटना पड़ सकता है वो खर्चे के लिए एक बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा तो सबसे पहले हमारा चैप्टर क्या है डिपार्टमेंटल बेस क्या है कि हमारा बनेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा बैलेंस शीट नहीं बनेगा सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और एक बनेगा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस मतलब मिला के और जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा तो सिंपल सी बात है जिस डिपार्टमेंट का उसका खर्चा लेकिन एक समस्या क्या आ जाएगी यहाँ पे कि सर हमारा यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कुछ खर्चे कॉमन होंगे जो कि इसमें भी जा रहा होगा इसमें भी जा रहा होगा और तो उस खर्चे को बांटने में प्रॉब्लम हुआ तो उसको एक एलोकेशन करने के लिए हमें परसेंटेज चाहिए जैसे कि मान लो रेंट है अब रेंट तीनों का ही जाएगा पूरी बिल्डिंग का ही जा रहा है मेरा मान लेते हैं तीस हजार जा रहा है और मैंने बोला भैया सबका रेंट इक्वल ही है तो हम बांट लेंगे दस 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 ऐसे बिजली का बिल हो सकता है ठीक है ना ऐसे क्या हो सकता है हमारा और भी काफी सारे खर्चे हैं उसको देखेंगे तो हम किस खर्चे को किस रेशियो में बांटना चाहिए वो देखेंगे जैसे मैं सामान लेके आया मैं किड सेक्शन का भी सामान ले आया और इसका भी ले आया सारा सामान एक ही जगह से आता है मेरा इसका भी ले आया और जो मेरा फ्रेट था किराया था वो मान लेते हैं ₹3000 लग गए अब ₹3000 किराया तो एक ही मैंने टेम्पो किया उसी टेम्पो में आ गया अब हम कैसे डिसाइड करेंगे भैया इतना इस टेम्पो का किराया है इस इतना इसका है इसका मुश्किल हो गई थोड़ी सी बात तो फिर हम क्या कर लेंगे कि भाई तेरा कितने-कितने रुपए का खरीदा सामान उस रेशियो में बांट लेंगे परचेज के रेशियो में बांट लिया जाएगा ऐसे मैंने क्या करा कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया तो सेल्स के रेशियो में कर लेंगे हम तो कुछ खर्चे तो आपको वैसे ही पता चल जाना है फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि क्या खर्चे कैसे बांटे जा सकते हैं और कुछ खर्चे तो भाई बटी नहीं सकते जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया हमने कोई एसेट्स खरीदा यार ये सही नहीं था मान लेते हैं कि मैंने एक जैसे कि कई बार कोविड के अंदर भी बहुत सारे एसेट्स खरीदे गए थे या फिर आप जैसे चेक इन करते हैं अंदर जाते हैं तो पहले चेक करते हैं ना तो वो गेट टाइप का बना होता है जहाँ पे आपको चेक कर दिया जाता है कि भाई मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं ले जा रहा तो वो बना लिया मैंने और वो खराब निकल गया यार यार तो उसको मैंने बेच दिया खराब ही था ये तो तो उस पर क्या हो गया मेरा लॉस लॉस अब वो लेकिन वो लेकिन जो लेके आया था वो वो तो तीनों में काम कर रहा था हमारा सबसे ग्राउंड फ्लोर पे लगाया अब भाई लॉस किसका है इसका 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 तो ऐसे खर्चे को बांटा ही नहीं जा सकता यानी कुछ खर्चे तो फिर भी अंदाजा लगाया जा सकता और कुछ खर्चे तो पता ही नहीं लगेगा कि किसका कितना हो जैसे अकाउंटेंट का सैलरी हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया और जैसे हो गया आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया तो कुछ ऐसे खर्चे तो हम खर्चे की एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो खर्चे का जो एलोकेशन होना है वो कुछ आपके पॉइंट्स गिवन है जैसे आप सामने देखोगे क्या है नेचर ऑफ एक्सपेंस ठीक है किस टाइप के खर्चे को बेसिस ऑफ एलोकेशन किस टाइप के खर्चे को? आपकी किताब में भी गिवन है किस टाइप के खर्चे को किस रेशो में बांटना है अगर आपका खर्चा होता है सेलिंग एक्सपेंस और ना बताए कि कहाँ का है अगर आपका खर्चा होता है ट्रेवलिंग सेल्समैन सैलरी ना बताए कहाँ का है अगर आपका खर्चा होता है कमीशन और ये भी नहीं बताया कहाँ का है अगर खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट बेड डेट्स या फिर कैरेज ऑन सेल्स या फिर आफ्टर सेल्स सर्विस का खर्चा आफ्टर सेल्स सर्विस क्या होता है जब बिक जाता है तो फिर सर्विस सेंटर वगैरह का या होता है आपका पैकिंग एक्सपेंस या फिर होता है गोडाउन का रेंट या होता है स्टोरेज एक्सपेंस या फिर होता है डिस्काउंट अलाउड या होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये सभी खर्चे अगर होते हैं तो नॉर्मली हम इसको सेल्स रेशो में बांटेंगे और सेल्स का ही दूसरा नाम होता है टर्न ठीक है ना तो आपकी किताब में गिवन है वैसे तो इन खर्चे को और वैसे भी आप खुद भी कॉमन सेंस लगाओ सेलिंग एक्सपेंस हुआ तो सेल्स के रेशो में ही जाएगा अब भाई ट्रेवलिंग एक्सपेंस सेल्समैन सेल्समैन है तो तो से ही रिलेटेड है कमीशन दे रहे हैं तो एजेंट को कमीशन दे रहे हैं तो वो भी सेल्स पे ही कमीशन तो मिलता है कभी भी परचेज पे कमीशन नहीं सुना होगा कि इतना सामान खरीदो तो तुम्हें मैं कमीशन दूंगा तो ऐसा तो सबको खरीद ही लेगा सेल्स पे होता है ठीक है ना रेंट गोडाउन है तो नॉर्मली गोडाउन हम बेचने के लिए ही करते हैं कुछ खर्चे ऐसे हैं जैसे कि कैरिज ऑन परचेज या डिस्काउंट रिसीव तो उसको हमेशा किस बेसिस पे बांट लेंगे हर डिपार्टमेंट के परचेज के अमाउंट के बेसिस पे और अगर मान लो सवाल में कहता है सेलिंग एक्सपेंस को आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बांटो या सेलिंग एक्सपेंस को आप कमीशन रेशो में बांटो अगर क्वेश्चन कह रहा है तो उसी में बांटना है फिर तो अपना दिमाग ही नहीं लगाना अब आगे कहता है देखो रेंट हो गया रेट्स हो गया टैक्स हो गया या फिर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग हो गया या इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग हो गया ऐसे खर्चे को हम फ्लोर एरिया वाइज बांट लेंगे फ्लोर एरिया वाइज मतलब अगर कितने एरिया में कौन सा डिपार्टमेंट है ट्वेंटी परसेंट में मान लेते हैं कपड़े का डिपार्टमेंट है 30 परसेंट में गर्ल्स का डिपार्टमेंट है और बाकी के 50 परसेंट में किड्स का है तो उस एरिया के हिसाब से रेशो में बांट लेंगे आगे देता है लाइटिंग जो लाइट लगता है उसको भी हम किस हिस्सों में बांटेंगे फ्लोर एरिया जब क्वेश्चन इन खर्चों के बारे में कुछ नहीं बोलता तो इसमें बांट लेते हैं मॉल्स में हर एक चीज का एक अलग बिल्कुल सही है कि मॉल्स में तो सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग ही होते हैं लेकिन अकाउंटिंग अलग अलग करते हैं ये नहीं है क्योंकि बिलिंग एक ही जगह होती है उनकी ठीक है ना वो अलग बात है और क्या खर्चे हो सकते हैं सर जैसे कि ये चीजें आपको एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन करने के बाद पता चल जाता है जैसे कि डेप्रिशिएशन हो गया रिपेयर ऑन एसेट्स हो गया या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम प्लांट एंड मशीन हो गया इन सभी को बांटा जा सकता है एसेट्स वैल्यू में अब देखो इंश्योरेंस प्रीमियम दो आ गया यहाँ पे भी था हमारा इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस किसका था रिपेयर भी था बिल्डिंग था इसको या तो एरिया वाइज में बांट दो अगर एरिया दे रखा है तो नहीं दे रखा है एरिया तो आप एसेट्स के वैल्यू में बांट दोगे किस में बांट दोगे यानी एरिया तो प्रायोरिटी एरिया अगर एरिया नहीं है तो उसके वैल्यू में ठीक है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक एवरेज स्टॉक यानी स्टॉक के रेशियो में बांट देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो भी होगा ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रुप इंश्योरेंस होता है क्या हमारा हम जब एम्प्लॉय रखते हैं ना तो एक हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स या कोई भी नोन में काम कर रहे होंगे तो कंपनी वाले इंश्योरेंस करके देते हैं तो वो इंश्योरेंस होता है ग्रुप इंश्योरेंस तो वो या तो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है या तो वेजेस वालों को इंश्योरेंस करवा दिया यानी मजदूर का या फिर सैलरी वालों का तो वो किस में बढ़ जाएगा हमारा डायरेक्ट वेजेस में पावर जो होता है यानी बिजली का बिल पावर का मतलब बिजली का बिल ये किस में बटता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पावर को हम नापते हैं वो या तो किलो में नापा जाता है कितने किलो वॉट का मीटर है या फिर हॉर्स पावर में भी नापा जाता है एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर में डिपेंड करता है इनमें से किसी में भी बांटा जा सकता है कैंटीन एक्सपेंस लेबर एक्सपेंस वेलफेयर बेनिफिट ये सभी किस में बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ क्योंकि जो कैंटीन होगा जैसे चाय वाय का खर्चा वो तो एम्प्लॉई खाएंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बांट दो सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर अब वर्क मैनेजर दो मैनेजर होते हैं एक वर्क मैनेजर होता है एक जनरल मैनेजर होता है वर्क मैनेजर क्या होता है कि भाई आ, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्क मैनेजर है और जनरल मैनेजर सभी का एक होता है तो वर्क मैनेजर का जो सैलरी होगा टाइम स्पेंड ईच डिपार्टमेंट में कितना कितना समय लगाया उसके हिसाब से बांट लो अगर हम पी एफ ई एस आई तो वेजेस या सैलरी जो भी इम्प्लॉय को मिल रहा है उस रेशियो में बांट दो तो। अगर हम हीटिंग एंड एयर कंडीशन करें तो कंजम्पशन ऑफ एवरी डिपार्टमेंट बाकी ये तो मैंने बताया आपको जनरल पर्पज से बाकी मैक्सिमम केस के अंदर मैक्सिमम केस में आपको ऑलरेडी गिवन होगा सारी चीजें दे रखी होगी आपको क्वेश्चन में ही कि इसको इस रेशो में बांटो इसको एक इस रेशो में बांटो और नहीं दे रखी हो तो फिर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आप आराम से कर सकते हो कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको नहीं बांटा जा सकता जैसे कि क्या क्या है कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको बांटना पॉसिबल नहीं है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है क्या क्या हो सकता है फाइनेंशियल एक्सपेंस यानी फाइनेंशियल एक्सपेंस में अकाउंटेंट की सैलरी भी नहीं बांटा जा सकता ठीक है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स एसेट्स डैमेजेस पेबल हमने किसी को डैमेज पेबल किया किसी ने हमारे ऊपर केस किया है लीगल सूट इंटरेस्ट ऑन लोन तो ये जो खर्चे हैं वो नहीं बांटे जा सकते और बाकी बाकायदा क्वेश्चन भी बोल देगा इसको मत बांटना भाई तो इसको नहीं बांटेंगे तो कहा जाएगा ये जर्नल पी एंडल में जाएगा यानी अब हमारे दो तरीके के पी एंडल बन जाएंगे एक तो मान लेते हैं ए है एक बी है और एक सी है तो इसका पी एंडल अलग ट्रेडिंग पी एंडल और इसका पी एंडल अलग और इसका पी एंडल, अब जो खर्चे इन तीनों में से किसी में नहीं जा रहा तो एक हमारा पीएंडल बनेगा कंबाइंड पीएं जिसको हम बोलेंगे जर्नल पीएंडल ठीक है जिसको हम क्या बोलेंगे जर्नल पीएं जो कि कंबाइन होके इसका भी प्रॉफिट इसमें चला जाएगा इसका फिर फाइनल निकालेंगे ठीक है तो ये कुछ हमारे डिपार्टमेंटल के क्या है पॉइंट्स हैं